अब मैं आपको दूसरे दिन के क्रम में श्री दुर्गा जी की उत्पत्ति के बाद श्री काली की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। काली क्या है? जैसा कि मैं पहले बताते आया हूं कि काली एक क्रोध है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ क्रोध है। काली का मतलब विध्वंस है। जहां पर काली होगी विध्वंस होगा ही होगा, और विध्वंस होगा तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए काली जी को प्रणाम करते हैं। जो घरेलू सांसारिक मनुष्य है उसको काली की सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य सांसारिक है, घर में रहता है, पत्नी बच्चों के साथ रहता है, धर्म का काम कम करता है, व्यापार व्यवसाय ज्यादा करता है, अपने माया मोह में उलझा रहता है, उसको काली की सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काली की सेवा करेगा तो क्रोध की उत्पत्ति होगी, और जब क्रोध की उत्पत्ति होगी तो खून मार काट के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए काली के बारे में मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं, आप उसे गौर से सुनिए। काली क्या है? क्रीम काली, काल काली, चंड मुंड नाशिनी। सुनिएगा, क्रीम काली, काल काली, काल के साथ जुड़ी हुई होती है काली। चंड मुंड नाशिनी, जिसने चंड मुंड का नाश किया है। शमशान विहारिणी, मुंड धारिणी। शमशान विहारिणी मतलब जो शमशान में ही रहती हो, मुंडों की माला पहनती हो, ऐसे काली को आप घर के अंदर नहीं पूज सकते, और पूजोगे तो शमशान की चीज यदि घर के अंदर आ जाएगी तो आपका घर भी शमशान बन जाएगा। क्रीम काली, काल काली, चंड मुंड नाशिनी, शमशान विहारिणी, मुंड धारिणी, शत्रु सहारिणी, ओम काली, धूम काली, कटकटाती, लहू बहाती, ब्रह्मांड मिंडाती और बनाती, फट काली, ठम ठम काली, होम काली, क्रीम काली, जिह्वा तेरी लप लपाती, खड़क खप्पर तू लहराती, रक्त से तु तृप्ति पाती, शिव काली, शव काली, विकराल काली, घोर तू, अघोर तू, कल और काल तू, सिद्ध कपाल तू, महाकाली, दुर्गा काली, कंकाल काल कालिनी, जटा मनोहरी, दिगंबरी, धन दामिनी, ओम चंडी, महाचंडी, दुरीपहारिणी, सर्वशत्रु विनाशिनी, खिलिनी, मोहिनी, स्तंभिनी, उच्चाटिनी, त्रिलोक स्वामिनी, माया मोह बंदिनी। ये काली के नाम है। काली में उग्रता है। काली का जब नाम लेते तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जब काली आती है तो उसके साथ में विद्युत ऊर्जा साथ में चलती है, जिसको अपन क्रोध कहते हैं। अब काली की उत्पत्ति आपको मैं सुनाता हूं। काली शक्ति स्वरूपा है। काली शक्ति ही है बेसिकली। शव पर आरूण रहती, ऐसा चित्र में बताया गया। आप यहां चित्र देख रहे होंगे। काली जी जो है शव पर आरूढ़ है। शव उनका वाहन है। शव में काली की शक्ति सन्निहित होती है। अब काली की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में बताई गई है। दारुक नाम का एक असुर था, जिसने 50,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को जब तप ध्यान योग तपस्या से प्रसन्न किया। उसने वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान प्राप्त करके देवताओं को कष्ट देने लगा, दुख देने लगा, दारुण देने लगा। दारुण का मतलब ही होता है कष्ट। जितने भी असुरों के नाम है आप सुनिएगा, कहानी जब जब आगे बढ़ती जाएगी उसमें जितने भी असुर के नाम आएंगे, सब असुरों का मीनिंग जो निकलता है, अर्थ जो निकलता है, वह कष्ट पर ही आता है, परेशानी पर ही आता है, दुख पर ही आता है, अत्याचार पर ही आता है। तो दारुण का मतलब भी कष्ट होता है। तो दारुक नाम का राक्षस ने ब्रह्मा जी को 50,000 वर्षों तक तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया, और देवताओं को कष्ट देने लगा। देवताओं के अनुष्ठान बंद करवा दिए। जो व्यक्ति जप तप करता था, ऋषि मुनि हवन करते थे, उनके हवन करने से रोक दिया गया। उसने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब जब भी देवताओं पर विपत्ति आती है,
सब देवता मिलकर के सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मा जी द्वारा ही वरदान दिए जाते हैं। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि साहब इस राक्षस का वध कैसे होगा, ये तो हमारी घर परिवार स्वर्ग लोक पर अधिकार, स्वर्ग लोक से हमें भगा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इसकी मृत्यु केवल स्त्री के द्वारा होगी। तब सभी देवता, फिर से वही कहानी स्टार्ट हुई कि जिस जिस देवता में जितनी शक्ति थी वह देवता स्त्री रूप धर के उस शक्ति के साथ उनसे लड़ने के लिए गया, परंतु कोई भी जीत नहीं पाया। तब सब देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। शिव पार्वती उस वक्त ध्यानस्थ अवस्था में थे, नंदी महाराज द्वारा ध्यान को भंग करवाया गया। तब उनने प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव महादेव, दारुक नाम का राक्षस ने हम सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया है, हमारा राज्य छीन लिया, हमारा धर्म छीन लिया, हमारी अप्सराएं छीन ली, सब कुछ छीन लिया हमसे। अब जगत के कल्याण के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना होगा। तब शिव जी ने मां पार्वती को कहा कि तुमको यह काम करना है, क्योंकि उस दारुक नाम के राक्षस की मृत्यु केवल स्त्री से ही होगी। तब पार्वती मां शिव जी के शरीर में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद शिव जी के जो कंठ होता है, जिसको अपन बोलते हैं नीलकंठ, नीलकंठ क्यों बोला जाता है, क्योंकि शिव जी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जहर को पी लिया था और वो गले के अंदर ही रोक दिया था ताकि नीचे नहीं गया, इसलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। तो प्रवेश करने के बाद शिव जी के कंठ में स्थित विष से अपना आकार बनाया। मतलब आप सोचिए, काली मैया पार्वती जी शिव जी के कंठ के अंदर उतरी और कंठ में जो विष था उस विष को इकट्ठा करके अपना आकार बनाया, काली रूप धारण किया और विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तन हो गई। जब किसी को जहर लग जाता है, सांप काट लेता है, तो मनुष्य का शरीर नीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे काला हो जाता है। यह इसीलिए ही बताया गया है कि काली मैया विष के प्रभाव से विष लेकर के उत्पन्न हुई, इसलिए काली हो गई। जब देवाधिदेव महादेव के कंठ में पार्वती मैया ने काली का रूप धारण धरा, तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे भयंकर विकराल रूप वाली, विकराल काली वर्ण वाली मां काली की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते से ही मां काली ने अपनी एक हुंकार शब्द प्रकट किया और उस हुंकार शब्द से ही उस दारुक नाम के राक्षस की सेना समाप्त हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य को शक्ति चाहिए, जिस मनुष्य को अपने शत्रुओं का संहार करना होता है, उसे हुंकार शब्द का मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरी बार जब माता रानी ने सांस, गहरी सांस लेकर एक बार ओंकार शब्द का प्रकट किया, तो दारुक नाम के राक्षस का वध हो गया, वह जलकर ही भस्म हो गया। वध क्या, जल के ही भस्म हो गया। मां के शरीर में इतना क्रोध था उस विष की वजह से, क्रोध, इसलिए कहते हैं सांप जो होता है उस सांप को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके गले में भी विष होता है और उसको भी क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जब सांप को क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है तो उसको कोई संभाल नहीं सकता। सेम इसी प्रकार से माता काली को क्रोध की उत्पत्ति हुई उस विष की वजह से और वह क्रोध में जलने लगी। संपूर्ण विश्व मां काली के क्रोध से कांपने लगा
त्राही माम करने लगा। तब उसको बचाने के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने शमशान में जाकर एक बालक का रूप धर लिया, क्योंकि उनके अलावा, भोलेनाथ के अलावा माँ काली को कोई रोक नहीं सकता था, कोई बचा नहीं सकता था। तो देवादिदेव महादेव ने तुरंत अपने स्वज्ञान से एक बालक का रूप धरा और शमशान में जाके बैठ गए और वहां पे जोर जोर से रुंदन करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। जब मां ने उस शिव रूपी बालक को देखा तो वह बालक हंसने लगा। मां उस बालक पर मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से मां ने उस बालक को अपने आंचल से लगा लिया। आंचल से लगाने के बाद में बालक ने, बालक को मां ने अपने स्तनों से दूध पिलाया, तब जाकर के बालक ने रोना बंद किया। भगवान शिव ने, जो शिव ही थे, काली मां के क्रोध को समाप्त करने के लिए बालक का रूप धरा और मां के आंचल से दूध पिया और दूध पीते वक्त उनने काली का संपूर्ण क्रोध पी लिया। जब क्रोध मां काली के शरीर से निकल गया, शिव जी के शरीर में वापस प्रविष्ट हो गया, तो मां काली शांत हो गई। इस प्रकार जब मां काली शांत हो गई तो वह गिर पड़ी शमशान। जैसे ही वह गिरी, उनके शरीर से अष्ट भैरव की उत्पत्ति हुई, जिसको क्षेत्रपाल देवता बोला जाता है। क्योंकि मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई थी और देवी जी को होश में लाने के लिए फिर शिव जी को तांडव रत्न करना पड़ा। यदि किसी को क्रोध आए और क्रोध में वो कुछ भी कर बैठे, तो जब वो पागल हो जाता है तो उसको वापस सही अवस्था में लाने के लिए फिर कुछ ना कुछ करना होता है। इसी प्रकार काली मैया को वापस होश में लाने के लिए शिव जी ने तांडव नृत्य किया। जब शिव जी को नाचते हुए उसने देखा तो काली के शरीर से 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। देवी अवतारों के एक वर्ण में योगिनी भी कहलाता है। इस प्रकार से काली की उत्पत्ति हुई, काली की साथ में क्षेत्रपाल जी की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रपाल के साथ में योगिनियों की उत्पत्ति हुई, जिसको हम चतुष्षष्ठी योगिनी भी बोलते हैं। ये योगिनियां हमेशा मनुष्य के रक्षक का काम करती है। साधक के लिए यह हमें हमेशा साधना का महत्व होता है, क्योंकि योगिनियों को ही साधना होता है।